मंगलवार की दोपहर को चापड़ा क्षेत्र के ऊपरी इलाके में हुई तेज बारिश के चलते लंबे समय के बाद गुनेरा गुनेरी की दोनों नदियां उफान पर आ गई, जिसके कारण चापड़ा बागली मार्ग घंटों तक बंद रहा। जानकारी के अनुसार चापड़ा बागली मार्ग से नकली गुनेरा गुनेरी की छोटी और बड़ी नदी मंगलवार को 3:30 बजे दोनों नदियां उफान पर आ गई थी, जिस कारण मार्ग पर 2 घंटे तक आवागमन बंद रहा, जिससे बागली मुख्यालय से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया। नदियां उफान पर होने के कारण दोनों नदियों पर वाहनों की और लोगों की कतार लग गई। सूचना मिलने पर बागली थाना प्रभारी सुनीता कटारा स्वयं गुनेरा की बड़ी नदी पर पहुंची और व्यवस्था संभाली। बता दें कि इस वर्ष की बारिश में मंगलवार के दिन दूसरी बार नदियां उफान पर आई है। वहीं गुनेरा की छोटी नदी के पुलिया पर पानी होने के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। शाम 5:30 बजे गुनेरा गुनेरी की बड़ी नदी का पानी का स्तर कम हुआ, उसके बाद मार्ग पर आवागमन शुरू हुआ। 2 घंटे तक चापड़ा बागली मार्ग बंद रहा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।